प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि अगर पाकिस्तान अब कुछ करेगा तो छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं पीएम ने महागठबंधन पर भी प्रहार किया। जब उरी में गलती की तो देश के वीर जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक करके दिन में भी तारे दिखा दिए थे। उन्होंने दूसरी बड़ी गलती पुलवामा में की तो हमने उन्हें एयर स्ट्राइक करके घर में घुसकर मारा। अगर तीसरी गलती करने की गलती की तो लेने के देने पड़ जाएंगे। यूपी के मुरादाबाद की चुनावी रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सीधा अल्टीमेटम पाकिस्तान को था कि अब उसने कोई आतंकी हरकत की तो अंजाम बेहद बुरा होगा। प्रधानमंत्री ने इसी रैली में तीन तलाक का मुद्दा भी उठाया और भरोसा दिलाया कि मोदी सरकार में ट्रिपल तलाक का टॉर्चर खत्म होगा। मुस्लिम बहन बेटियां तीन तलाक जैसे अत्याचार को सहने के लिए मजबूर है और मैं ऐसी पीड़ित बहनों को विश्वास दिलाता हूं 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार बनने के बाद ये तीन तलाक पर बना कठोर कानून फिर से संसद में लाया जाएगा। इसी रैली में प्रधानमंत्री मोदी ने समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन पर कहा, पहले ये दोनों एक दूसरे को गालियां देते थे लेकिन अस्तित्व का संकट आया तो उन्हें मिलकर गालियां दे रहे हैं। अरे खैर मोदी को तो छोड़िए, मुझे तो इनकी गालियां सुनने का 2 दशक का अनुभव है, अब मैं गाली प्रूफ हो गया हूँ। वहीं कठुआ में हुई रैली में प्रधानमंत्री ने कश्मीर के बंटवारे की धमकियां देने वाले अब्दुल्ला और महबूबा के खिलाफ अपील की कि वोटर ऐसे लोगों को राजनीति से विदा करें। जम्मू कश्मीर की तीन तीन पीढ़ियों को इन दो परिवारों ने जो तबाही की है, यहां की तीन पीढ़ियों को इन्होंने नोच लिया है, निचोड़ लिया है। जम्मू कश्मीर का उज्जवल भविष्य ये दोनों परिवारों की विदाई होनी चाहिए। दोस्तों मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पहले चरण के भारी मतदान ने अलगाववादियों और उनके एजेंटों के हौसले तोड़ दिए हैं, इसलिए वो भारत तोड़ने की धमकियां दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर आप सिर्फ जी न्यूज पर देखेंगे, सटीक जानकारी और पूरी विश्वसनीयता के साथ आप भरोसा कर सकते हैं जी न्यूज पर। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और नाजर होंगे।